सो गाइस देखो ऐसा कुछ लग रहा है मेरा डेस्क। गाइस दिस इज माय न्यू मैकबुक, सॉरी दिस इज माय न्यू मैकबुक। सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य व्लॉग्स। सो बहुत दिनों के बाद एक नया व्लॉग शूट हो रहा है एंड काफी टाइम से व्लॉग नहीं आया बिकॉज आपको पता ही है कि मेरे 12th खत्म हो चुका है एंड वेकेशन चालू है जो अभी तक चल रहे 8 months हो गए एंड अभी इंजीनियरिंग कॉलेज नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। सो उस तक के अभी घर पे ही हूँ, सो घर पे बैठे बैठे क्या ही व्लॉग करता, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं ट्राई करूंगा व्लॉग बनाने की एंड ऑल्सो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, इसीलिए व्लॉग बना रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं थेऊर चिंतामणि विनायक मंदिर में, तो यस उसी के लिए जा रहे हैं। सो गाइस अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा अभी तक आए नहीं है, मैं तब तक जा रहा हूँ शॉप में, मेरे को कुछ चीजें लेनी है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में एंड ये इधर का कुछ भी है। कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो। गाइस अभी आपने देख ही लिया होगा कि कल हम लोग गए थे मंदिर। यस कल वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं कल गया था, ये नेक्स्ट डे है। एंड अभी आप पूछ रहे होगे कि ऐसा क्यों भाई, कल के व्लॉग मतलब कल के दिन का व्लॉग एंड आज के दिन का व्लॉग एक ही वीडियो में आ रहा है। सो गाइस क्या ही करूँ, मैं आने आपको इंट्रो में बताया मैं घर पे ही हूँ तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा। सो इसके लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एंड यस मेरे को आपको दिखाना है मेरा नया मैकबुक। तो एंड आप लोग देख ही सकते हो मेरा डेस्क पूरा चेंज हो चुका है, ये सेटअप पूरा चेंज हो गया। एंड मैं आपको रात को दिखाऊंगा, ये तो ऑसम दिखता है ना रात को, वो आप देख लेना बाद में। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, सॉरी व्लॉग। सो गाइस दिस इज माय न्यू मैकबुक एंड एक सेकंड इसको ओपन करते हैं। यस आप देख ही सकते हो, और यार हमेशा व्लॉग में देखता था दूसरों के एंड आज मेरे हाथ में मेरे डेस्क पे देख के मेरे को सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये भी कुछ नए एडवांस से ये ह्यूमिडिफाई एंड हाँ उस वॉल को इग्नोर करना प्लीज बिकॉज पहले तो ये वॉल रहती थी शायद, तो हाँ अभी ये बिकॉज उधर मैंने टेप लगाया था तो उसके से निकल गया, बट डोंट वरी मैं उसको कवर कर दूंगा और वो और भी अच्छा दिखने वाला है इसके बाद। सो थैंक यू फॉर द टेप कि और अच्छा दिखने वाला है। सो यस मैं आपको मेरा मैकबुक दिखाता हूँ, वैसे मैकबुक क्या ही दिखाओ, इसमें गेम वेम्स तो इतना कुछ रहता नहीं है, ये मैंने कोडिंग के लिए लिया है बिकॉज मैं अभी इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे को एक लैपटॉप चाहिए था एंड जैसे आपको पता है मेरे पास आईपैड है एंड आईफोन है, तो अगर मैं एंड्रॉयड का या मतलब एचपी का ऐसा कोई लैपटॉप लेता तो
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती मेरे को कनेक्ट रखने में, कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र करने में. सो इसीलिए मैंने प्रीफर किया एप्पल लेना. एंड आपको भी पता ही है, मतलब जो भी कंप्यूटर फील्ड में, जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस, उनको पता ही होगा कि ये कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप है. आई मीन मैकबुक, जो भी बोलो आप, बट ये सबसे बेस्ट है. मेरे को सब ने बोला, इसलिए मैंने बोला नहीं लेना ही ये. सो यस, एंड इसीलिए ये मेरे सामने है. ये मैंने लिया है 8GB रैम वाला 256GB वेरिएंट. आप लोग बोलेंगे लोअर वेरिएंट क्यों लिया भाई, लेना ही तो हाई वेरिएंट लेते. ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे को भी चाहिए था हाई वेरिएंट. वैसे जरूरत नहीं थी कोडिंग के लिए, कुछ वैसे जरूरत ही नहीं रहती. ये ऑलरेडी इतना बेस्ट पावरफुल है कि हायर वेरिएंट की जरूरत ही नहीं है कोडिंग के लिए. हाँ, अगर आपका एडिटिंग करना है तो ले सकते हो. एंड मैंने ट्राई भी किया था हायर वेरिएंट लू. वैसे एडिटिंग तो आईपैड में करता हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा था हायर वेरिएंट लू. बट डायरेक्ट आई मतलब आई वेन न्यूज एंड जो यूनिकॉर्न है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दो महीने लग जाएंगे, तब तक तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो कब फिर टाइम नहीं मिलेगा लैंग्वेज सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए. तो मैंने सोचा कि चलो लोअर वेरिएंट ही देखता हूँ. एंड मैं विजय सेल्स एंड क्रोमा भी कहता हूँ, उन्होंने तो बोला हम लोग बता ही नहीं सकते कब आएंगे, आप पेमेंट कर दो, ऑर्डर कर दो, जैसे आता है मैं आपको, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे. तो मैंने बोला नहीं रहने दो बाबा, लोअर वेरिएंट ही लेते. सो यस, इसीलिए लोअर वेरिएंट. एंड ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है. कितना पावरफुल है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने बहुत देखा है, लोगों का सुना है. तो सुनी सुनी बात जो भी है देख लो आप क्या बोलते हैं. बट हाँ वही बात सुन के मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत पावरफुल है, मैंने इसका पूरा पावर नहीं देखा कभी. मुझे इस पर करना ही क्या रहता है, एडिटिंग तो मैं करता नहीं, मेरे को बस एक ऐप चलाना है इस पर, वो है ये वाला. देखो आप लोग ही देख लो, कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया, गुड नोट्स एक ही है जो नोट टेकिंग के लिए रहता है. एंड ये है, ये प्रोग्रामिंग के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है. तो यस, एंड इस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सादा फोटोज़ भी नहीं है. बट हाँ फ्यूचर में ज़रूरत आई थिंक कुछ मैं डालूंगा. गेम्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले, बिकॉज मैं इसको गेमिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला, ये बस स्टडी पर्पज़ के लिए है. एंड मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आज, ऐसे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे मैं चुप हो गया. बस आप लोग तो देखोगे नहीं, आप लोग तो चले जाओगे, मैं इतनी बातें करूँगा, बकवास करूँगा, एडिटिंग करूँगा, एंड आप लोग बीच में ही छोड़ के जाओगे, इसलिए बस चुप हो जाओ भाई. एंड चलो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में. सो गाइस, मुझे अभी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स देखने, जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर्स. बट उसके पहले मैं अभी मेरी टाइपिंग स्पीड मुझे इंक्रीज करनी, इम्प्रूव करनी, तो उसके लिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा टाइपिंग की. एंड अभी आप ऐसा बोलना मत कि इधर तो जावा का लोग, जावा के लेक्चर से तो टाइपिंग प्रैक्टिस, भाई टाइपिंग करनी है तो प्रैक्टिस करूँगा. ये वीडियो, ये मतलब जो क्लास लेक्चर लगा है मैंने यूट्यूब पे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए. तो ये बाद में, पहले मैं थोड़ा स्पीड इम्प्रूव करता हूँ मेरी. आप लोग कहीं जाना मत, पूरे व्लॉग में रहना लास्ट तक, समझे? फास्ट टाइप नहीं कर रहा था, आपको भी पता है, बट कुछ लोगों को पता नहीं रहेगा, तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ. वो टाइम लैप्स था जिसमें हम लोग अगर स्लो काम करते तो भी वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है. तो बट आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो क्या कर रहे हो भाई ज़िंदगी में. तो यस, एंड मैं मेरे ये 10 फिंगर्स को बता रहा था कि कौन से लेटर किस उंगली को दबाना, मतलब कौन से फिंगर को दबाना है, मतलब प्रेस करना है या जो भी टाइप करना है, ताकि जब भी मैं कोई वर्ड टाइप करूँ तो डायरेक्ट मतलब पता लग जाए कि हाँ ये दबाना है तो ये इसका काम है, एस दबाना है तो इसका काम है, डी दबाना है तो इसका काम है, एफ दबाना है तो इसका, एंड इसको सेव स्पेस. एंड राइट साइड से इसको भी वैसा ही है. तो अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं कोई क्लासेस नहीं चला रहा, जाके यूट्यूब पे सर्च करो. अगर आपको भी इम्प्रूव करने है तो मैं क्यों इतना बक बक कर रहा हूँ भाई. चलो अभी मुझे लेक्चर्स देखने हैं प्रोग्रामिंग के, तो लेट्स गो. और आपको इस वीडियो के बाद जावा कुछ अपनी सी लैंग्वेज लगने लगेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी जस्ट मेरे लेक्चर्स खत्म हुए, आज मैं बिगिनर हूँ, बट मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है. अभी पता नहीं आगे कितना डिफिकल्ट होते जाएगा, बट हाँ अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. एंड यस, अभी 5:30 हो रही है, आधा घंटा थोड़ा अभी ऐसे ही चिल करूँगा, एंड फिर उसके बाद मेरे को जाना है नीचे.
जाना नहीं है, मैं जाऊंगा नीचे. सो लेट्स गो. ओके गाइस, अभी 6:58 हो रहे, बहुत लेट हो गया एंड मैं नीचे जा रहा हूँ अभी. ऐसे कुछ काम तो नहीं है बट पूरा दिन घर पे रहते तो थोड़ा ऐसे घूमते नीचे आके. सो चलो. सो बैक टू माय रेगुलर बोलू का डिफॉल्ट बोलू बट यस माय प्लेस. नीचे से हम लोग वॉक करके आ चुके हैं एंड अभी मेरा मन कर रहा है नोवेल पढ़ू. मैंने एक नोवेल स्टार्ट की थी द 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी रहेगी वो बट यस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उसको पढ़ने का. बहुत टाइम पहले ली थी बट कभी टाइम ही नहीं मिला एंड कभी मन भी नहीं किया पढ़ने का बट आज मेरा बहुत कर रहा है पढ़ने का मन. ऐसे आई थिंक 3 पेजेस किए थे मैंने रीड. सो अभी वो भी करते हैं. मैं आपको मेरा डेस्क दिखाता हूँ नाइट टाइम में कितना चमकता है. सो लेट्स सी. सो गाइस देखो ऐसा कुछ लग रहा है मेरा डेस्क. इसको हमेशा रखूंगा जब भी मैं रीडिंग करूंगा तभी. एंड ये तो मेरा ह्यूमिडिफायर एंड दिस इज मैं सेटअप टूर नहीं करा तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बस आपको एक थोड़ा सा व्यू देता हूँ कैसा है. सो अभी मुझे ये बुक रीड करनी है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बाई चेतन भगत. एंड मैं अभी इस पेज तक पहुंच चुका हूँ. अभी काफ़ी है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं इधर पढ़ के छोड़ चुका था बिकॉज मम्मी ने डिनर को बुलाया था तो तभी मैं चला गया. बट आज मेरे को ये कंप्लीट तो नहीं करना बट हाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. सो लेट्स डू इट. ओके जैसे कि आपने देखा कि मैं अभी नॉवल पढ़ता हूँ. काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को नॉवल पढ़ने में. एंड आपने मेरा डेस्क भी देखा तो बता दे रहा कमेंट में कि आपको कैसा लगा. सो एंड इस व्लॉग में इतना ही. अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि मेरी और सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज बढ़ जाए. सो ओके गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.